हेलो एंड वेलकम टू पाक कला। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गणपति जी के फेवरेट मोदक की रेसिपी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मावा तैयार करेंगे। मावा तैयार करने के लिए यहाँ मैं नारियल और दूध का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई चढ़ा लीजिए और उसमें एक चम्मच घी डाल दीजिए। घी डालने के बाद इसमें मैं यहाँ एक कटोरी नारियल बुरादा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो हरा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक कटोरी नारियल बुरादा डाल देती हूँ। यहाँ मैं सूखा वाला नारियल यूज़ कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से घी में मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा हमारा अच्छे से, फिर इसमें हम एक गिलास के करीब दूध डालेंगे और इसको 10 से 15 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। 10 से 15 मिनट पकाने के बाद ये अच्छे से सारा नारियल बुरादा है दूध एब्जॉर्ब कर लेगा और खूब गाढ़ा हो जाएगा। अभी यहाँ मैं इस आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ साथ ही साथ, और फिर 10-15 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। मैंने इसमें 1.5 चम्मच चीनी मिलाई है। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाल दिया है और फिर इसको 5 से 10 मिनट पकाया है। अच्छे से गाढ़ा हो गया है, ये देखिए मावा तैयार हो गया। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ थोड़ी देर, और फिर ये जब ठंडा हो जाएगा अच्छे से, इसे मैं प्लेट में निकाल के अपनी हथेलियों से मसल लूँगी। मसलने से पहले अपने हाथों में आप थोड़ा घी लगा लें जिससे ये आपके हाथों पे ना चिपके, और फिर अच्छे से मसलेंगे इसको। तो ये देखिए डो तैयार हो गया है। अब मैं इसकी बॉल्स बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैं मोल्ड का यूज़ नहीं कर रही, जो मोदक बनाने के लिए हम लोग सांचे यूज़ करते हैं, मैं इसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आप अपने हाथों से कैसे तैयार कर सकते हैं घर पर मोदक, सिर्फ वही दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ कटोरी टाइप में थोड़ा इसकी पूड़ी टाइप बनाएंगे, बीच में से गड्ढा बनाएंगे जिसमें हम अच्छे से अपनी जो स्टफिंग है वो भर सकें। यहाँ मैंने किशमिश, काजू बादाम और थोड़ा सा नारियल बुरादा और चीनी लिया है। इसको मैं इसके अंदर स्टफ कर रही हूँ और इसको मैं हाथों से ही मोदक का शेप दे रही हूँ। देखिए इस तरीके से। अब इसको मैं ऊपर से थोड़ा बंद कर देते हैं, दबा देते हैं इसको अच्छे से। बिल्कुल मोदक जैसा शेप मैंने इसको दे दिया है अच्छे से। इसको हल्के हाथों से ही बनाए, ज़्यादा इस पर जोर ना लगा नीचे फूट जाएगा। और घी लगाना बिल्कुल ना भूलें अपने हाथों पर, नहीं तो ये सारा मावा आपके हाथों पर चिपकने लगता है इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं इसमें जो मोदक में लाइन होती है, डिज़ाइन होती है, वो देने के लिए यहाँ मैंने जिससे हम स्वेटर बुनते हैं वो वाली सिलाई मैंने यहाँ यूज़ की है इसका डिज़ाइन देने के लिए। देखिए इस तरीके से मैं इसका मोदक का अपनी डिज़ाइन दे दूँगी। इसी तरीके से हम बाकी मोदक भी तैयार कर लेंगे और उसी का ये सिलाई से डिज़ाइन दे देंगे। तैयार हो गया मेरा मोदक। इसी तरीके से आप घर पर ईजिली बना सकते हैं मोदक को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो फटाफट अच्छे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और घंटा भी बजा ही दो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।